तो दोस्तों ये हमारे सामने आज प्रिंटर है, इसको हम खोलेंगे। आज HP का ये अपना प्रिंटर है, लेजर जेट 1020 प्लस, ठीक है। इसको हम खोलेंगे, इसको खोलते कैसे हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, ताकि ऐसी मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। ये पहले हम ये ऊपर वाला ढक्कन खोल लेंगे, यहाँ पे इसके दो पेज लगे होंगे, एक पेज यहाँ पर एक पेज यहाँ पर, इसको आसानी से हम खोल लेंगे। और अभी हमारे साथ है सुशील भाई, जो धीरे धीरे हमको बताते रहेंगे। तरीका बताओ इसको एक बार। कितना तरीका कैसे बता रहे हैं? ये निशान है यहाँ पे लगा के, ठीक है, फोड़ फोड़ नहीं करना, सेम इधर भी ऐसे खोलना है। इसको उल्टा कर लेंगे, आई का ढक्कन सब प्रॉब्लम खाना बता क्या दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये ठीक करेंगे सर तब ये डाक्टर सही रहेगा। इसमें ये प्रिंटिंग है, इसमें जो लाइन है बीच में, ये लाइन वाला इशू है, ये इसमें दिक्कत है, तो यही हम इसमें ठीक करेंगे अभी जो है, ठीक है। यहाँ पे लोग हैं, इसको यहाँ पे आराम से लगा के ऐसे उठा देना ऊपर की साइड, ऐसे ही बाहर आ गया, ठीक है। अभी चारों पेज खोल लें, दो हजार का खुला हो जाएगा, खुला हो जाएगा, दो हजार, ठीक है। ये तल नुस्कार नहीं, मेरे पास नहीं चला, नहीं सही फोन का केवल ऐसा है, HDMI केवल हुई, केवल तो अच्छा केवल है, अभी ग्राहक नहीं था, सामने वाला ये बोला, सामने वाला पूछेगा, खुला है अंकल क्या? साल भर की HDP के साथ लोगे तो 3,500 का पड़ेगा, और 3 साल HDP लोगे तो वो पड़ेगा 39,000-34,20 I3 11 8256 टाइप से बाहर आ जाएगा। एक नोट यहाँ वाला भी खुल भी, इसका कनेक्टर हटा देंगे, मोटर वाला मना कर दिया, सर मुझसे कुछ ही रोकना नहीं, मैं सो की हो कि गेट क्योंकि मैं आज दे दियो, तो जरूरत का सामान, तो जरूरत पड़ेगा
जैसे जैसे ये कनेक्टर भी निकाल लेंगे। मेरे हो गया माया दे रहा हूँ तो दोस्तों इसमें जो दिक्कत थी, दिक्कत समस्या है वो इसी से है। इसको अगर हम खोल के साफ़ कर देंगे इस लेंस को, तो ये पूरा एकदम साफ़ आएगा, क्लियर आएगा। ये लेंस हमारा जो है ये गंदा हो चुका है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। ये प्रिंटर में यही समस्या है, ये मदरबोर्ड है इसका प्रिंटर का, एक यहाँ पे मदरबोर्ड लगा हुआ है। ये मेन आईसी, वो क्या बोलते हैं इसको, ये वाला ये अपना लॉजिक कार्ड है, और ये वाला ये इंजन कंट्रोलर कार्ड है, ये इंजन कंट्रोलर कार्ड है, और ये लॉजिक कार्ड है, ठीक है। और ये अपना लेंस है, जो अपना सेंसर है ना, स्कैनर। और इसी को जो है हम साफ़ करेंगे अब खोल के, इसको खोलते हैं हम। इसको खोलने के लिए जो है यहाँ पे सिंपली आपने दो लॉक दे रखे हैं कि लॉक निकालने हैं, और दो लॉक इधर से निकालने हैं, आसानी से ये ओपन हो जाएगा। फिर ओपन होने के बाद इसको जो है तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। फिर जब ये ओपन हो जाएगा ना, तो आपको ये साइड साइड से ये जो है इसे कपड़े से साफ़ करना है, ये जो अंदर ब्लेड लगा हुआ है। और इसको खोलने के लिए जो है यहाँ पे आपको इसका पीछे पिन होता है, एक ये पिन है, तो ये पिन को आप ऐसे पुश करेंगे ना, जब आप इस पिन को ऐसे पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लिंप, ये देखिए कुछ इस टाइप से ये बाहर आ जाएगा। ये क्लिंप है, इसको ऐसे ही लगाना जैसे निकाला है, सीधा का सीधा, ठीक है। जैसे ये है अभी, इसको ऐसे ही लगा देना है, जैसे ये क्लिंप है इसको ऐसे ही लगा देना सीधा, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे आपने ये बाहर निकाल लेना है, कुछ इस टाइप से बाहर आ जाएगा। पहला प्रिंट दे देगा, इस तरीके से साफ करना है। तो मतलब प्रिंटर में कोई दिक्कत नहीं है,
मतलब पहला प्रिंट दे दिया फिर चलता रहता है रन यूनिट की वजह से। देखिए कितना गंदा हो रखा है आगे से, देखिए कितना गंदा हो रखा है आगे से, तभी ये लाइनिंग आ रही थी, इसको साफ कर देना सही से। इसके बाद ये साइड साइड में, इसके भी साइड साइड में साफ करना है। जब ये अच्छे से साफ कर लेंगे आप लोग तभी इसको लगाना है, ठीक है। तो इन लेंसेज को चारों तरफ से क्लीन करने के बाद और ये जो अपना मैग्नेट है इसको भी क्लीन करने के बाद जो है इसको कुछ, ये जो कट वाला हिस्सा है यहाँ पे जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये अपना इस साइड आएगा राइट साइड, तो जैसे मैं लगा रहा हूँ इसी तरीके से आपको भी लगाना है। और ये बड़ा वाला भी कुछ इसी तरीके से, ये जो कट वाला हिस्सा है इधर लगा रखा है, तो राइट साइड ये हमेशा लगेगा। और उसके पीछे जो है हम इस तरीके से पत्ती जो है लगा देंगे। अब ये अपना छोटा सा ये मेन पार्ट है, ये भी इसको लगाना जरूरी है। अब हम जो है इसमें क्लिप लगा देंगे, क्लिप लगाने के बाद जो है अब यहाँ पे छोटा वाला कार्ड वो भी लगाएंगे। ये जो देखिए ये कट वाला हिस्सा है ये हमेशा आगे की तरफ रहेगा, इसे मैं लगा रहा हूँ, इसी तरीके से आपने भी लगाना है। इस प्रकार से यहाँ सेट हो जाएगा क्लिप, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ अगर आप कर लेंगे तो आपका जो है प्रिंटिंग एकदम फर्स्ट क्लास देने लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको जो है पैक कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए ये प्रिंटर का अपना लेंस अपने रेडी कर दिया है, और इसकी भी थोड़ी सर्विसिंग कर देंगे हम, थोड़ा साफ सुफ कर देंगे, हवा वो मार देंगे, इसको निकाल देंगे बाहर। पेच लगा रखा है, पेच खोलना, ये हमने कवर पूरा निकाल दिया।
कुछ इस टाइप से अपने पहले हवा मार देंगे। जो लाजपत नगर ये नंबर है, ये नंबर है वाला नंबर तो उसके दिया भाई बिल्कुल लगा देते कौन सा 95 मैंने फिर डायरेक्ट उसको रिको वाले को रिपोर्ट कर दिया मैंने। मेरे पास कई फोन आते रहे फिर मैंने क्लिक की ये नंबर क्या रूम नंबर 111 ऊपर वाला है पहले मंजिल का हम तो नीचे बैठते हैं ये देखो मैं स्टीम ने बना के बोलगा मुकेश सुन गया था क्या काम दिला देंगे देखो आप पेमेंट का थोड़ा सा वो कर लो पेमेंट का ठीक रहेगा मतलब वो मेरे को दिक्कत है महीना दो महीना में तो हो जाएगा पेमेंट पेमेंट तो मिल जाएगी पेमेंट के लिए तो हम बैठे हुए चलाने के लिए लेकिन आपको थोड़ा सा सबर करना पड़ेगा कोई दिक्कत और काम कंटिन्यू मिलेगा फोटोकॉपी मशीन कर ले तो सही फोटोकॉपी यार कहीं किए तुमने हैं फोटोकॉपी के लिए ना कर लोगे फोटोकॉपी के लिए तो डायरेक्ट भेज दिया तुमने प्रिंटर ही करो ये कार्टेज वगैरह भरते हैं ये तो मेरे मास्टर आदमी कार्टेज भरते हैं जो मेरे पास भी आता है बहुत बच्चे आदमी है अगर 5 आदमी भी आ गए तो 5 एक साथ हो जाते हैं तो 10 कार्टेज कर देता हूँ वहीं क्यों चले जाते हैं बुलाता हूँ मेरे में ये आया है आपके लिए क्या ये किसका है ये किसका है ये इसको सर्विस करो उसको भी फटाफट करो लेट हो रहे हैं आप मतलब सब कुछ ठीक है मेरा सरनेम जो है ना पैदा कहाँ हुआ था पैदा दिल्ली में जगह कौन सी मतलब घर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल कौन सा श्रीनिवास बना के हो जाएगा पेपर है मेरे पास तुम दे दो लो मैं काम अगर एमसीडी का ऑफिस हो गए अरे तो मेरे को पेपर दे दो नंबर दे दो लाओ कुछ नहीं मैं कर दूंगा ना सिर्फ सरनेम डालना है और कुछ नहीं करना सर डाल देंगे शर्मा जी डालना है अभी डाल देंगे मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर 2012 से पहले के जितने भी हैं वो तो हाथ से भी कर देंगे ऑनलाइन 2012 के बाद जो है ना उसको ओटीपी जाता है मैं आपको बताऊँ 2012 के बाद जो उसको ओटीपी जाता है अब हुआ क्या है जिन लोगों ने 2012 में कराए कितने का डलेगा बताना मुझे स्पीड बढ़ानी है फाइल ओपन करने में टाइम लगा था बहुत हैंग हो जाता है सोता रहता है अब कोई पैसा खर्चा मत कीजिए उसको उसका पहले जो डाटा है फोटो फोटो जो है इसको बैकअप ले लो इनको एक बार फॉर्मेट अपग्रेड उठा लिया था इसने जो वो बार बार अपग्रेड वाला फाइल को चलता रहता है ठीक है 8 GB भी रैम सफिशियंट है इसके लिए इसका पहले आप डाटा बैकअप लो मैं फॉर्मेट करा दूंगा फॉर्मेट मीन्स बिल्कुल नया हो जाएगा हाँ डाटा फिर नहीं मिलेगा जो आप बैकअप लेंगे वही डाटा आपके पास रहेगा फॉर्मेट करने से पहले इनका डाटा आप बैकअप ले लीजिए फिर मैं फॉर्मेट करा दूंगा फिर वो नया हो जाएगा अगर मैं बढ़वा देता हूँ उसको
वो तो रैम बात की बात है सर, पैसा पहले क्यों फंसाएंगे ऊपर, ठीक है रैम बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा 1 TB की है तो काफी लोग, फिर भी डाटा सर का कोई भी ऑफिस का है, हमने भी काम करता हूँ ना, 3 जगह डाटा रखा है कि यहाँ डाटा है, एक में हार्ड ड्राइव में, एक घर वाला लैपटॉप में, डाटा अपना ना आजकल संभाल के रखना, कभी क्रश हो जाएगा क्या करेंगे आप, सही बात है, अगर हार्ड डिस्क क्रश कर जाता है कभी तो क्या करेंगे आप, थोड़ा बहुत बचा लिया, थोड़ा बहुत सेव होगा, हार्ड डिस्क से अगर कोई दिक्कत आ गया बिल्कुल तो क्या करेंगे आप, तो मथा पटक के रह जाएंगे, बहुत बहुत आदमी 25,000-40,000 देता रिकवरी के लिए, एक एक फाइल कभी ऐसा फंसता है ना तो वो आदमी को कराना, तो उसके लिए क्या कीजिए, अगर मोबाइल खो जाता है तो नंबर के लिए वैसी मुझे दिक्कत नहीं होगी, सब्जी मिल पड़ा हुआ, सब्जी वाले पड़ा, ये बोला सर मेरा करवा दीजिएगा, बड़ा मेहरबानी होगी, मेहरबानी क्या, देखो जो सर थोड़ा इसका फीस लगेगा, कोई नहीं फीस दे दे, कोड कर लेना, हेलो मैं करवा दूंगा, आप जो बोल सियाचरण ही लिखेगा, पासवर्ड नहीं लिखेगा, वो ऐड कराना, किसके में ऐड कराना है, आपके में कराना है कि बेटे के में कराना है, बेटे के में, बेटे के कराना है, एमसीडी वाला पेपर में कराना है, हां बेटे का कराना ना, बेटे का में कराना है, मेरा अपना नाम सरनेम खंड, बेटे का कुछ नहीं, बेटे का जो आपका नाम शर्मा जी है, मेरी बात सुनो, सरोम में करना खाली बेटे के, सरोम बेटे के में तो है बताने लिखा हुआ है, नहीं है ना, दिखाओ मुझे बेटे का, वो दिखाओ बरसात बेटे का, मंगाता हूं बेटे का, मंगाओ जो बेटे का लिखा, अब अभी चेक करा लेंगे, ये कहने मेरे कागजों में नहीं लिखा हुआ पासवान, होगा कंसीडर आता है, अगले दिन ये हो जाएगा, इनका तो कागज नहीं बना, भी बेटे का बरसात बीच खत्म कल लगाया अच्छे लग, दोनों साइड का भाई वीडियो बनाते क्या लगा हां वीडियो बनाते क्या क्यों अच्छा उसमें डाला गया है और ब्लॉगर है फॉलोवर्स हो गया इसका तो 23,000 कितना हुआ तय करके तो गए हां सर 6,000 तो हम भी कर देंगे इसमें कुछ फायदा नहीं होता जब इसके रियल में लाखों पहुंच जाएगी जिसके अकाउंट में पैसा आने शुरू हो जाएगा कितना आएंगे भाई 1,00,000 में आते हैं पैसे अच्छी बात में रात में बैठ के हेलो गाइस फलाना फलाना टिमकाना निमका टिमकाना फलाना फलाना सही है यार हमने धौला कुआ में जितने टैक्स स्कूल है सुरुदो पार्क में एयरफोर्स का आज भी काम देखता हूँ मेरा बॉस था ग्रुप कैप्टन था ये हमारा प्रिंट है ये हमारा प्रिंट है तो ये हमारा प्रिंट है आप नाम ठीक करना है देखो सर
ये देखो अब ओके हो गया एकदम। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन फटाफट क्लिक कर दो ठीक है, क्योंकि लेट हो रहे यार। लाइन आ रही थी वो लाइन खत्म, पूरा एकदम फॉल्ट क्लियर। अब जो आपका नाम है इसमें।